शेखर एक जीवनी में प्रथम पुरुष दृष्टिकोण है। उपन्यास का मैं प्रायः वह यानी शेखर हो जाता है, फिर भी उपन्यास का संगठन प्रथम पुरुष दृष्टिकोण से ही निर्मित है। कथानायक कहता है कि वह एक कर्तव्य की भावना से आया है और एक दायित्व तो उसके ऊपर है। वह समझता है कि उसके पास जो संदेश है वह उसका अपना नहीं, उसने वंश विकास के रूप में पाया है और उसे वह बाह्य प्रेरणा से बाध्य होकर कहना चाहता है। वह लिखता है, अतः जिसकी कहानी में निहित संदेश को मैं प्रकट करूँगा वह ही है। उसका नाम है शेखर। वह इस समय मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। उसी प्रतीक्षा में उसके जीवन के सत्यों को पढ़कर उनका निष्कर्ष निकालकर और शब्दबद्ध करके छोड़े जा रहा हूँ। इस प्रकार शेखर एक जीवनी का आरंभ प्रथम पुरुष में है, लेकिन प्रथम पुरुष कथानायक ने ही अन्य पुरुष में कहने का मार्ग अपनाया है। अतः यहाँ मैं और वह यानी शेखर में दृष्टिकोण की दृष्टि से तत्वतः भेद नहीं है, स्वयं से हटकर स्व का ही निरूपण है। इतना ही नहीं, वह अर्थात शेखर बीच बीच में मैं के रूप में झांक जाता है। एक तरह से पूरा शेखरी जीवनी शेखर का, उसके नायक का आशैशव प्रत्यावलोकन ही है। उपन्यास का आरंभ अंत से शुरू हुआ है, अर्थात सब कुछ घटित हो चुका है। कथानायक को फांसी की सजा हुई है, यह उसके अंथक विरामहीन जीवन का अंतिम विराम है। There is always a separation between the man who suffers and the artist who creates, and the greater the artist, the greater the separation. इलियट का यह सूत्र सर्जक अज्ञे को गहरे रूप से प्रभावित कर गया। उपन्यास में मैं की वह में परिणति भी शायद इसी विचार से हो। इसका प्रमाण यह है कि लेखक अज्ञे ही नहीं, कथाकार शेखर भी इलियट की इस उक्ति का जिक्र करता है। भोगने वाले प्राणी में और रचना करने वाले कलाकार में सदा एक अलगाव बना रहता है। जितना ही बड़ा वह अलगाव है उतना ही बड़ा कलाकार होगा। कथांतराल में वह कई बार मैं हो जाता है। प्रायः देखा जाता है कि जहाँ जहाँ किसी मार्मिक घटना के बारे में कुछ कहने का अवसर उपस्थित होता है या जीवन के बारे में कुछ टिप्पणी करना है, तब वह मैं में परिणत हो जाता है। ऐसे समय हम भी कथानायक की विगत की सृष्टि में से एकाएक काल कोठरी के आगे अपने को पाते हैं। मूल मैं का वह के रूप में और बीच बीच में इस प्रकार वह का मैं के रूप में प्रकट होना उपन्यास के नरेशन को स्वाभाविकता प्रदान करता है। अंत में इतना ज़रूर कहना चाहिए कि मैं को वह के रूप में प्रस्तुत करने पर भी उपन्यास में दृष्टिकोण आत्मकथनात्मक ही बना रहता है। वह तो एक प्रयुक्ति मात्र है। वस्तुतः शेखर की सारी खोज व्यक्तित्व की खोज है और आत्मकथात्मक शैली इसके लिए अधिक उपयुक्त है।